इंसान किसी के भी बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता। अगर आप ऐसे इंसान को जानते हो या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, आपका बुरा चाहा है, वो इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। सो अगर आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन ने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रखा हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। ये जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, चार्जेबल होते हैं, ये फ्री नहीं होते हैं। ओके, सो आप तभी हमें वहाँ पर मैसेजेस कीजिएगा। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, और देखते हैं क्या हो रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में। ओके, सो जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ डिसाइड हो रहा है इन लोगों के लिए, या क्या कुछ आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। और अगर आपको नहीं पता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आज जान लेते हैं, देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है, डेविल का कार्ड। कैप्रिकॉर्न मकर राशि प्रोमिनेंटली आ गई है आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, टेन ऑफ स्वॉर्ड, ओके ये सब चल रहा है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड जजमेंट, एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि, स्ट्रेंथ सब बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ निकल के आ गया है, लियो सिंह राशि, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, ओके मून का कार्ड आ गया है, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, एम्परर एंड द डेथ लास्ट में। डेविल से शुरू हुआ है और डेथ पे ख़त्म हुआ है। देख सकते हैं आप कार्मिक्स, देख सकते हैं इनका कर्मा, बुरे कर्मों का क्या फल मिल रहा है। डेविल से स्टार्ट हुआ है ये रीडिंग और डेथ पे आके ख़त्म हुआ है। चलिए, सो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, कुछ पहले मैं कुछ आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर हैं, तो मैं आपकी एनर्जीज़ चेक कर लेती हूँ थोड़ी सी। सो देखिए आपकी एनर्जीज़ में क्या आ रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ही लॉयल्टी, बहुत ही प्यार, बहुत ही प्रेम, बहुत सपोर्ट, एक डेडिकेशन, लव, प्यार, सिक्योरिटी, केयर, ये सब चीज़ें आपकी तरफ से आ रही हैं जो कि आपने अपने पार्टनर को या इस रिलेशनशिप में दी है। आपने हर तरीके से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देने की कोशिश की है, प्यार देने की कोशिश की है, सहारा, साथ देने की कोशिश की है। आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल करके रखा है। आपने इतना साथ दिया है लोगों का, अपने पार्टनर का, जो शायद आप मतलब आपकी इमेजिनेशन से या आपकी पहुंच से भी दूर था, या आप उतना एफर्ट्स शायद आप नहीं डालते अगर आप इतना प्यार नहीं करते, है ना। तो आपने हर तरीके से डेडिकेशन दी है, हर तरीके से आपने सपोर्ट करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को, लेकिन बदले में क्या मिला है आपको? बदले में मिला है यहाँ पर धोखा।
बदले में मिला है यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन। सो ये बुरी तरीके से व्यवहार आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, ईगो अग्रेशन, गलती खुद की, और ईगो और अग्रेशन भी दिखाने वाले ये खुद जिंदगी में। सो इस पर्सन ने खुद गलती की, खुद गलत काम किए और इल्ज़ाम लगाए आपके ऊपर, धोखा दिया आपको, आपकी सारी वफादारी, आपकी सारी ईमानदारी को एक साइड कर करके इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, जिसके साथ आपने हमेशा ईमानदारी निभाई, जिसके साथ आपने हमेशा एक वफादारी निभाई, उसने आपके साथ क्या किया, उसने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, इतना गलत आपके साथ किया, किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और एटीट्यूड भी खुद ही दिखा रहे हैं। हाँ, चोरी ऊपर से सीना जोरी, बदतमीज़ी भी खुद ही दिखाते, गलत बातें बोलना, उल्टे सीधे इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगाए, आपने कुछ नहीं किया, फिर उसके बावजूद भी, क्योंकि अपने को सही साबित करना था ना, अपने को सही दिखाना था कि मैंने, मेरी गलती नहीं है, सब चीज़, सब जो भी आज मैंने किया, जो भी आज मैं हूँ, तुम्हारी वजह से हूँ, ठीक है। सो अपने ऊपर नाक ले करके सब कुछ आपके ऊपर उड़ेल दिया गया, यही हुआ है ना आपके साथ। धोखा देने वाला तो ये खुद, गलत करने वाला ये खुद, और इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर, फिज़िकल मेंटल टॉर्चर आपके ऊपर किया गया, तकलीफ़ आपको दी गई, परेशानियां आपको दी गई, झूठ बोला गया आपसे, हाँ झूठ बोल करके जाते रहे मिलने इससे, झूठ बोल करके अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाते रहे इसके साथ, कलेश किया आपके साथ, झगड़े किए आपके साथ, दुख झेला आपने, और ये क्या कर रहे हैं खुद, हाँ अपनी ज़िंदगी बड़ी बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, आपके अलावा कोई और बेस्ट पार्टनर इनको मिल रहा है, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर इनको कोई मिल सकता है, तो ये इनकी गलत फहमी है। एक समय ज़रूर आएगा जब ये अपने घुटनों पर आकर के आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये कर्मा इनको ज़रूर मिलेगा आपके साथ गलत करने का, कि ये खुद आके आपको, आपसे माफ़ी मांगेंगे, डिवाइन यूनिवर्स इनकी ज़िंदगी में ऐसी तबाही मचा देंगे, ऐसी बर्बादी मचा देंगे कि ये माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, इनको आपके पास लौट कर आना ही पड़ेगा, इतना इनको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। डिवाइन ने इनकी ज़िंदगी में कार्मिक पार्टनर भेज दिया है ना, ये कार्मिक पार्टनर ही है जो इनको मिला है ना, आपका दिल दुखाया, आपके साथ गलत किया, आपके साथ बदतमीज़ी की, उसी का फल अब इन्हें यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। तो जो ये डेविल है ना, ये डेविल ही है, ये कार्मिक पार्टनर ही है जो इनको इस समय इनके साथ है, या इनका साथ दे रहा है या दे रही है, और एक समय ज़रूर आएगा जब इनका भी दिल दुखेगा, ठीक है, एक समय ज़रूर आएगा जब कर्मा इनका दिल भी तोड़ेगा। इन दोनों को एहसास होगा आपको रुलाने का क्या अंजाम होता है, या आपको तकलीफ़ देने का क्या अंजाम होता है, वो इनको एहसास बहुत जल्द होगा। सो जो मुसीबत, जो तकलीफ़, जो परेशानी आपने झेला है, वो ही इनको झेलना पड़ेगा। कर्मा इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे, भले ही अभी ना दिख रहा हो आपको, अभी भले ही समय आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो, अभी भले ही आपको ऐसा लगता है कि अभी सब इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं, बहुत ये लोग खुश दिखाई देते हैं, घूमने जाते हैं, मज़े कर रहे हैं, आपकी लाइफ में तकलीफ़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिया है ना, रिश्ता ऐसे ख़राब किया, रिश्ता ऐसे बर्बाद किया कि समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बहुत कोशिश की आपने रिश्तों को पकड़ के रखने की, चीज़ें समझाने की, बार बार समझाने की कोशिश की, लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, पर आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आया, छुप छुप के मिलते रहे इससे। और आपको ऐसा दिखाया, आपको इतना झूठ बोला, आपको ऐसा दिखाया कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, और छुपाते रहे आपसे सच्चाई, छुपाते रहे आपसे सारी बातें, आपने सबूत दिखाने की भी कोशिश की, पर उसको भी यहाँ पर झूठ बता दिया गया, उसको भी सिरे से नकार दिया गया कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम रिश्ता ख़त्म कर दो, इस तरीके की बातें आपसे बोली गई, तुम्हें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ दो, नहीं तो मैं ही छोड़ देता हूँ, या मैं ही छोड़ देती हूँ, है ना, नुकसान किया है आपको, आपकी लाइफ का बर्बाद की है आपकी ज़िंदगी, ऊपर से खुद ही सीना चौड़ा करके घूमते रहे हैं ये लोग, है ना,
खुद को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित कर दिया। सो करेंटली अगर मैं ये देखूं तो करेंटली यहाँ पर डेथ दिखाई दे रहा है ना, डेथ दिखाई दे रहा है, टेन ऑफ स्वॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड दिखाई दे रहा है। क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स? ये बता रहे हैं, देखो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, है ना। सो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनको इनका कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है ना, बहुत जल्द यूनिवर्स इनके ऊपर तलवारें बरसाने वाला है, इनको इनके किए की सज़ा बहुत जल्द मिलने वाली है। सो मुसीबत बन जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के लिए, धोखा देगी ये थर्ड पार्टी इनको, बर्बाद कर देंगे ये एक दूसरे की ज़िंदगी को, इमोशनली एंड फिज़िकली स्ट्रगल हो जाएगा इनकी लाइफ में, मुसीबतों से भर जाएगी इनकी ज़िंदगी। देख रहे हैं तलवारें एक दूसरे को ही धोखा देने पे आ जाएंगे ये, कहीं ना कहीं किसी को कोई तो धोखा देगा, या तो आपके पार्टनर इसको थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा देने वाली है। दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, डेथ की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि इनको भुगतना पड़ेगा, लॉसेस आ जाएंगी इनकी लाइफ के अंदर, डार्कनेस से भर जाएगी इनकी ज़िंदगी, सिर्फ टॉक्सिसिटी आ जाएगी इनकी लाइफ में, एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीक्रेट्स रिवील होंगे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर के सामने। सो जो ये भुगतेंगे, जो इंसल्ट इन लोगों की होने वाली है, जो एक बर्बादी इनकी लाइफ में आने वाली है, सब ख़त्म कर जाएगी ये, सब बहा ले जाएगी ये कर्मा इन लोगों का, है ना। छुपे हुए राज रिवील होने वाले हैं यहाँ पर बहुत जल्द। आपको गलत और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश की थी ना इन्होंने, अब इनको असलियत पता चलेगी कि कौन सही है कौन गलत है। प्रेजेंट में भी मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये बहुत ही परेशान फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल है इनकी लाइफ के अंदर, मुसीबतों से घिरती हुई दिखाई दे रही है इनकी ज़िंदगी। आपका हंसता खेलता रिलेशनशिप परिवार आपने खो दिया, दुखों से घिर चुका आपकी लाइफ, आपका साथ छोड़ दिया आपके पार्टनर ने, एक पहाड़ सा गिर पड़ा आपके ऊपर, पपेट बना के रख दिया है आपको, इस्तेमाल करते रहे हैं आपका, है ना। अब इनको इशारों पर नचाते हुए दिखाई दे रही है ज़िंदगी, इनको इशारों पर नचाता हुआ दिखाई दे रहा है कर्मा। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कर्मा अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, और अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन लिखिएगा, क्योंकि कार्मिक्स के बाद कर्मा के बाद कहीं ना कहीं इनका रुख आपकी तरफ ज़रूर बदलेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, सो बहुत जल्द आपको न्याय मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, सो क्लेम कीजिएगा यहाँ पर। सो डिस्ट्रक्शंस आ रही है इनकी ज़िंदगी में, ब्लॉकेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में, कन्फ्यूजन्स, आर्ग्यूमेंट्स, फेलियर्स होने वाले हैं इनकी लाइफ में, और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द जस्टिस आने वाला है, न्याय मिलने वाला है आपको। सो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके लिए कुछ नए प्लान्स बनाती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस समय का इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, समय का इंतज़ार कीजिए, समय आएगा तो सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी, है ना। समय से बलवान कुछ नहीं होता है, भगवान पे भरोसा रखिए, अपने गॉड पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ जल्द दस्तक देने वाली हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डिवाइन, प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए इनको, क्या कुछ गाइडेंस है इनकी लाइफ के लिए। आउटसाइडर का कार्ड फर्स्ट आया है, ओके, रीबर्थ आ गया है आपके लिए, रिसेप्टिविटी आई है, द बर्डन आया है, करेज, एग्जिस्टेंस, ट्रैवलिंग, इंटीग्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, देखिए ठीक है।
सो आप अपनी लाइफ में ऐसे दोराहे पे आके खड़े तो हो गए हैं कि क्या करें, आगे जाएं पीछे जाएं, कहीं भी आगे पीछे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो आपकी लाइफ ज़रूर ऐसे दोराहे पे खड़ी हो गई है आकर के, जहां आपको कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। आपने बाहर वालों की, आउटसाइडर्स की एंट्री और अपनी एंट्री बाहर वालों के लिए बंद करके रखी हुई है। क्यों क्यों खुशियों से खुद को रोक के रखा हुआ है? क्यों खुशियों को अपने से दूर रखा हुआ है आपने? क्यों मिलना जुलना बंद है? क्यों काम बंद है? क्यों मन नहीं लग रहा किसी काम में? सो आपको बहुत जल्द यहाँ पे रीबर्थ की ज़रूरत है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्यों दुखी होना है? क्यों ये बोझ अपने सिर पे लेकर के आप चल रहे हो? आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इनको इनका कर्मा भुगतने देते हैं, आप अपना कर्मा क्यों ख़राब कर रहे हो? आप अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज दुख आया है, कल सुख भी आएगा, ठीक है? कल सुख देखा था तो दुख आया, सो दुख भी कभी लंबा चलता नहीं है, दुख भी बदलेगा, सुख का समय ज़रूर आएगा। सो डेफिनेटली अपने को खड़ा कीजिए, एक रीबर्थ वाली एनर्जी लेकर के आइए। ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत है आपके अंदर। रिसीव कीजिए पॉजिटिविटी, रिसीव कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दीजिए, ये बोझ अपने दिमाग से हटा दीजिए। अपने को पहचानने की कोशिश कीजिए, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। सो इंटीग्रेट कीजिए, साथ में लेकर के आइए दोनों चीज़ों को। एक करेज आपके अंदर डाउन हो चुका है, हिम्मत टूट चुकी है, तो हिम्मत इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हिम्मत से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ एक गोल है, आपकी ज़िंदगी का कोई एक मकसद है, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। डिवाइन आपके साथ है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके साथ ज़रूर हैं। आप भगवान का भरोसा, डिवाइन का भरोसा ज़रूर रखिएगा, आपकी लाइफ में खुशियां बहुत जल्द आएंगी। ट्रैवल कीजिए, घूमने जाइए, थोड़ा सा आपका मन चेंज होगा, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ मिलिए, फैमिली के साथ मिलिए, आपके आसपास देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपने उन लोगों की एंट्री अपनी ज़िंदगी में बंद की हुई है। सो अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए, ठीक है? आपकी, आपका जो वजूद है वो सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। तो अपनी एग्जिस्टेंस को बनाइए, अपनी मौजूदगी का एहसास सबको कराइए, आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? आप सिर्फ इस बंद कमरे में रहने के लिए तो नहीं आए हैं इस दुनिया में, या आप सिर्फ इस एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते हो, राइट? सो अपने वजूद पे काम कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि और किसी को तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? उसको उनका कर्मा भुगतने दीजिए। आप अपने कर्मों में नेगेटिविटी मत भरिए, ठीक है? आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरिए, अच्छे काम करिए, अपनी ज़िंदगी को किसी अच्छे मकसद के लिए यूज़ कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के भरोसे पर नहीं चलती है, ठीक है? सो आपकी एग्जिस्टेंस उतनी ही ज़रूरी है जितनी औरों की। सो आई होप आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट किया होगा, अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके? कर्मा क्लेम कीजिए, रियूनियन चाहते हैं रियूनियन क्लेम कीजिए। सो चलिए, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप सभी लोगों ने, सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लेम करना नहीं भूलना है, 111 बजरंग बली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।